नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। देवी जी, उस तरफ पानी बहुत भरा हुआ है, कोई टैक्सी वाला जाने को तैयार नहीं है। किशन, आप और यहाँ? इसको लेकर बाजार आई थी। अंकल, जाने के लिए टैक्सी भी नहीं मिल रही है। टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है, सारे रास्ते बंद हैं। आप ऐसा कीजिए, मेरे घर चलिए और बारिश हो जाए तो चले जाइएगा। नहीं, हम लोग चले जाएंगे। देखिए, आप भीग रही हैं, ये भी भीग रहा है। मम्मी चलो ना। नहीं बेटे, आप खाम खजिद करिए, आइए ना, आइए। अरे काका, किशन को अंदर ले जाओ और इसके बाल अच्छी तरह पहुंच देना। जी। और सुनो, गर्म शॉल भी लपेट देना। अच्छा मालिक। अरे, आप भी तो बिल्कुल भीग गई हैं। नहीं तो? नहीं तो क्या, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं, मैं अभी आया। ये लीजिए, अपने गीले कपड़े बदल डालिए। जी। आप इस तरह भीगी रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। प्लीज, ये देवकी की साड़ी है, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? उस तरफ कमरा है। अरे वाह मालिक, खिलौने चाहिए? हाँ। अच्छा चलो। इस साड़ी में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आइए, चाय पीजिएगा। लाइए, मैं बनाती हूँ। आज देवकी की याद होने को कौन टाल सकता है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। कहिए। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? जी, मेरा मतलब है, आपका कोई बच्चा तो है नहीं, बिल्कुल अकेले हैं आप। यह अकेलापन तो मैंने जानबूझकर खरीद लिया है, कुछ तो वक्त ने लूट लिया और जो बाकी बच गया था उसे मैंने दूसरों पर लुटा दिया। सोचता हूँ बदले में मुझे क्या मिला। आप अपनी कुर्बानियों का बदला चाहते हैं? कुर्बानी तो बदला नहीं चाहती, लेकिन दिल का चैन भी तो नहीं छीन लेती। कुछ शांति किशन को देखने से मिल जाती थी, वो भी दुनिया वालों से देखी नहीं गई। आपकी माता जी ने मेरे लिए अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अगर आप चाहती तो अपना बच्चा किसी भी तरह मुझे दिखा सकती थी। ये कैसा अंधेर है कि सारी दुनिया उसे देख सकती है और मैं ही उसे नहीं देख सकता। लेकिन क्यों, किशन साहब के क्या रिश्ता है? किशन आपका बेटा तो नहीं? फिर आपके दिल में उसके लिए ये तड़प क्यों है? क्यों है ये तड़प? किसी बच्चे को बाप जैसा प्यार देना कोई गुनाह नहीं है। अगर किशन बिन माँ का बच्चा होता तो यही प्यार इंसानी हमदर्दी कहलाता, लेकिन आज ये गंदगी है, कलंक है, इसलिए कि तुम खूबसूरत विधवा हो जवान। बाबू बस कीजिए, मैं आपको अपने बच्चे का वास्ता देती हूँ, बस कीजिए, बस कीजिए। मम्मी, अंकल के यहाँ बहुत सारे खिलौने, बहुत मजा आया। किशन, मुझे घर ले चल बेटे, मुझे घर ले चल। मम्मी, लेकिन अभी तो टैक्सी नहीं मिलेगी, जब बारिश रुक जाएगी फिर मैं तुम्हें ले चलूंगा। किशन, बहुत देर कर दी बहू। बारिश में फंस गए थे माँ जी, कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी।
और वो तो अच्छा हुआ दादी, इतने में अंकल की गाड़ी आ गई और वो हमें अपने घर ले गए। तुम लोग अंकल के घर गए थे? रास्ते में पानी भरा हुआ था और उन्होंने जिद की, फिर बारिश भी बहुत तेज थी। हाँ दादी जी, मम्मी तो बिल्कुल ही भीग गई थी, अंकल ने दूसरी साड़ी दी पहनने को, मम्मी उस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। किशन, किशन, ये किशन के खिलौने आप मेरे घर बुलाई थी। आपको आने की क्या जरूरत थी? किसी से भिजवा देते। समझा, मेरा यह आना आपको भी अच्छा नहीं लगा। सवाल अच्छे बुरे का नहीं है। तो फिर और क्या बात है? क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे इस घर से नफरत क्यों मिल रही है? क्योंकि हर घर रिश्तों से बंधा हुआ है, आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर क्यों आते हैं आप? मैं आपसे कह चुका हूँ ना, मैं किशन के लिए आता हूँ। लेकिन दुनिया तो ये नहीं समझती। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। मगर मुझे, मैं दुनिया की नजर से गिरना नहीं चाहती। लोग मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, मैं अपने सफेद आंचल पर बदनामी का एक भी दब्बा नहीं पड़ने दूंगी। कब मैंने तुम्हें उस नजर से देखा है जिससे तुम पर कोई कलंक आए? कब तुमने ये सोचा कि मैं तुम्हारी मजबूरी से फायदा उठाना चाहता हूँ? कब तुमने ये अंदाजा लगाया कि मैं अपनी इंसानियत से गिर गया हूँ? मुझ पर रहम कीजिए, आप यहाँ मत आया कीजिए, मैं अपनी बदनामी का एक पल भी सहन नहीं कर सकती। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से जाइए और फिर कभी मत आइएगा, कभी मत आइएगा। जिसके नसीब में जो कुछ लिखा हो वो तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। ये बीवी भी अपने नसीब का वनवास पूरा कर रही थी। उस दिन हम बंजारों का कारवां चला जा रहा था दूर नदी के किनारे, ये बीवी हमें जिंदगी और मौत के बीच लटकी हुई नजर आई। जिसे ऊपर वाला जिंदा रखना चाहे उसे भला कौन मार सकता है? लेकिन जब इसे होश आया तो ये सब कुछ भूल चुकी थी, खुद को भी। हर कोशिश नाकाम हो गई, दवा भी की, दुआ भी की, लेकिन इसकी खामोश और बेजान जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। न जाने कहां कहां भटकती फिरती थी। और फिर अचानक एक दिन ये भी उसी की कुदरत है बेटा, एक बच्चे ने माँ को जिंदगी में फिर से लौटा दिया। ये बिटिया बड़ी भाग्यवान है जो फिर से अपने पति और मुन्ने के पास वापस आ गई। बेटा मुन्ने को ले आओ, हम उसे दुआ आशीर्वाद देकर अपने वतन चले। मुन्ना सो रहा है, मैं भी लेकर आती हूँ। मुन्ना, जी मुन्ना कहाँ है? कहीं बाहर खेलने गया है?
अरे आप खामोश क्यों हैं? बोलिए ना, मेरा मेरा बच्चा कहाँ है? शायद उसकी परवरिश हमारे हाथों में नहीं थी। उस हादसे में हमारा मुन्ना हमारी किस्मत से निकल गया। नहीं, नहीं, मैंने अपना बच्चा तुमको दिया था। मैं अपना बच्चा तुमसे लूंगी, मैं अपना बच्चा तुमसे लूंगी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। देखी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मेरा बच्चा कहाँ है? बोल, तू तो माँ है ना, फिर मेरी गोद भर कर क्यों उछाड़ती? मुझे क्यों जिंदा रखा? मेरा बच्चा छीन लिया है, तो मेरी यादों को भी मुझसे छीन ले। मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। तो आपने हमारी चप्पल पहनी है? ये आपकी चप्पल है? हाँ। आपके पाँव में कितनी बड़ी है? इसे पहनकर मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ। ये तो है, लेकिन हम क्या पहनेंगे? हाँ ये तो है, आप मेरी चप्पल पहन लीजिए। वो तो बहुत छोटी है। ठीक है, आप अपनी चप्पल ले लीजिए। कितने प्यारे बच्चे हो, नाम क्या है तुम्हारा? किशन। यशोदा, तुम जिंदा हो देवकी? हाँ, मेरे भाग्य में जीना लिखा था, मगर तुम्हारा ये रूप किस्मत को यही मंजूर था। बस अब तो मेरा बेटा किशन ही मेरी दुनिया है। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत बड़ी दौलत है तुम्हारे पास। तुम माँ हो, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी गोद फिर से भर जाएगी देवकी। अच्छा मैं चलती हूँ, किशन को स्कूल भेजना है, किसी दिन घर आना, जरूर आऊंगी। चलती हूँ। अच्छा बेटा, आंटी को टाटा करो। टाटा आंटी। टाटा। मुन्ना होता तो इतना ही बड़ा होता, ऐसा ही नाजुक, इतना ही भोला भाला खूबसूरत। देवकी, पतझड़ में बाहर को नहीं ढूंढा करते, जो वक्त गुजर गया उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? मेरे बच्चे की याद हजारों यादों को अपने साथ ले आती है। अरे पगली, और फूल भी तो खिल सकते हैं। मेरा प्यार तुम्हारे अरमानों की गोद फिर से भर देगा। हेलो डॉक्टर। हेलो, बैठिए मिस्टर आनंद। डॉक्टर, रिपोर्ट आई? हाँ मिस्टर आनंद, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपकी पत्नी अब कभी मां नहीं बन सकती। जी, आई एम वेरी सॉरी। उस एक्सीडेंट और बरसों की बीमारी से आपकी पत्नी की नर्व्स बहुत कमजोर हो चुकी हैं। इसका मतलब है कोई उम्मीद नहीं है डॉक्टर। मिस्टर आनंद, कई बार हम डॉक्टर्स बहुत निराश हो जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कुछ और ही होती है। कभी कभी मिराकल्स भी हो जाते हैं। मिराकल्स? झूठी तसल्ली मत दीजिए डॉक्टर साहब, मैं समझ गया।
आपके औलाद का सुख हमारे नसीब में नहीं है, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये बात देवकी को मालूम नहीं होनी चाहिए। वैसे वो बहुत दुखी है, ये सदमा शायद वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। देवकी, ये क्या देवकी, तुम रो के रही हो? मैं कभी मां नहीं बनूंगी। कैसी बात कर रही हो देवकी? मुझे झूठी तसल्ली मत दो, मैंने सब सुन लिया है। अब मेरे दिल के आंगन में कोई नहीं खेलेगा, मेरी गोद कभी नहीं भरेगी। मैं अधूरी हो गई आनंद, मैं अधूरी हो गई। देखा किशन, तेरे बर्थडे कार्ड्स, ये भी तेरे तरह कितने खूबसूरत हैं। मम्मी, बर्थडे में बहुत सारे प्रेजेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। हाँ बेटे। अंकल भी आएंगे? नहीं, अंकल नहीं आएंगे। क्यों? अंकल बहुत दिनों से नहीं आए, मुझे अंकल की बहुत याद आती है। अंकल नहीं आएंगे तो बर्थडे पार्टी में बिल्कुल ही मजा नहीं आएगा। मम्मी, अंकल को जरूर बुलाना। हाँ बेटे, जरूर बुलाएंगे, मैं खुद तुम्हारे अंकल को बुलाने जाऊंगी। क्या, आज किशन का जन्मदिन है? हाँ। बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसे नहीं, तुम्हें घर आना पड़ेगा। अगर तुम नहीं आए तो हम समझेंगे तुमने हमें माफ नहीं किया। नहीं, आप और शर्मिंदा मत कीजिए, मैं जरूर आऊंगा। अपनी पत्नी को जरूर साथ लाना। हाँ हाँ जी, मैं उन्हें भी साथ लेकर आऊंगा। चलो। हाँ अच्छा, अच्छा। नमस्ते। हेलो ऑपरेटर। यस सर। मेरे घर का नंबर लगाना। ये क्या कर रहे हो, देवकी को बच्चे से दूरी रखो तो अच्छा है। हेलो हेलो देवकी, आप तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। देखो, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, मुझे रात को आने में देर हो जाएगी, तुम वक्त पर दवा खा लेना। जी ठीक है। आंटी। यशोदा, तुम आओ। कैसे हो देवकी? ठीक हूँ। अरे वाह, तुम्हारा बेटा तो और भी प्यारा हो गया है। बैठो। आंटी, आप मेरे बर्थडे पर क्यों नहीं आई? बर्थडे पर? बेटे, आंटी को बुखार था, आनंद ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत? हाँ हाँ, तबीयत ठीक नहीं रहती, कहीं आती जाती भी नहीं हूँ। आंटी, मेरे बर्थडे की फोटोज देखिए। हाँ। बेटे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पर एक ही फूल खिलता है। तुम्हें ये फूल पसंद है? नहीं आंटी, तोड़ना मत, वरना तो ये मुरझा जाएगा। इस पर ये कितना खूबसूरत लगता है। हाँ, बहुत खूबसूरत लगता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम भी तो एक फूल हो ना। सुनो मम्मी, मैं भी एक फूल हूँ। वाह आंटी, क्या बात है। आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए बेटे? आज तो छुट्टी है। लो बहुरानी चाय। हरि काका, तुम ही बना दो। अच्छा बेटी, तुम्हारे लिए चाय बनाऊं बाबा? नहीं, मैं चाय नहीं पीता, दूध पीता हूँ, ओवल्टीन डालकर। तुम चाय बिल्कुल नहीं पीते? बचपन से ही इसे चाय की आदत नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, ये लो, ये बिस्किट लो। ले लो बेटी। थैंक यू। अरे वाह, ये लॉकेट तो बहुत अच्छा है। अंकल ने दिया है। अच्छा,
आंटी मैं उस खिलौने वाले कमरे में जाऊं? नहीं बेटे, किसी के घर आकर इधर उधर नहीं घूमते। इसमें क्या हुआ, बच्चा ही तो है। लेकिन बेटे तुम्हें कैसे मालूम कि वहाँ खिलौने वाला कमरा है? मैं एक दिन अंकल के साथ आया था ना, है ना मम्मी? हाँ। हरे काका, किशन को उस कमरे में ले जाओ और सुनो इसे ओवल्टिन भी पिला देना। हा? जी बहुत अच्छा। जाओ। आ जाओ मेरा बाबा। आ जाओ आ जाओ चलो। ये लो, चाय लो। बड़ा शरीर हो गया है, एक मिनट में चैन से नहीं बैठता। ओ मोतल आ गई, मोतल आ गई, मोतल आ गई, पी 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 पो 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 पो। अच्छा देवकी, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। देखो अपना ध्यान रखना और तबीयत ठीक होते ही हमारे यहाँ जरूर आना। अच्छा किशन, चलो बेटे चलेंगे। मम्मी 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 देखो कितनी अच्छी कार है, बैटरी से चलती भी है। अच्छा बेटे, ये कार यहाँ रख दो और घर चलो। आंटी हम ये कार अपने घर ले जा सकते हैं? हाँ बेटे। नहीं देखो किशन, तुम बहुत जिद्दी हो गए हो, अब तुम्हें कभी साथ नहीं लाऊंगी। खिलौना ही तो है, ले जाओ बेटे। और फिर यहाँ कौन है खेलने वाला? अच्छा आंटी को थैंक यू बोलो। थैंक यू। चलते हैं। अच्छा चलो। मालकिन देखा आपने, किशन बाबा की आदतें अपने मालिक से कितनी मिलती हैं। हाँ हरी काका। और वो लॉकेट देखा आपने बाबा के गले में? हाँ क्यों? ये लॉकेट बड़े मालिक ने नैरोबी में बनवाया था अपने मुन्ने के लिए, बाद में मालिक इसे अपने साथ ले आए। आज किशन बाबा के गले में इसे देखकर ऐसा लगता है कि मालिक बाबा को बहुत चाहते हैं। सुनिए मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ पूछ लेना, पहले मुझे नावल जी ने कोई टैबलेट तो दे दो, सर में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, लगता थोड़ा बहुत बुखार भी है मुझे। बुखार? अरे आपका बदन तो तप रहा है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नमस्ते डॉक्टर। क्यों क्या हुआ मिस्टर आनंद? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बुखार है। थोड़ा सा नहीं, 103 डिग्री है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी चेक की देता हूँ। तब तक आप ये सिरिंज बॉयल कर लाइए। जी। फ्लू है, आजकल बहुत फैला हुआ है, खाने पीने में बहुत एहतियात कीजिए मिस्टर आनंद, और बाहर का तो बिल्कुल ही मत खाइए। अभी मैं सक्सेना साहब के घर से आ रहा हूँ, उनका पोता किशन बाहर से कुछ खाया, फूड पॉइजनिंग हो गया उसे। क्या? किशन को फूड पॉइजनिंग हो गया? हाँ, शाम को तो इतना फीवर बढ़ गया कि बेहोश हो गया बेचारा, नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। किशन हॉस्पिटल में? कहाँ जा रहे हैं मिस्टर आनंद, आपकी तबीयत बहुत खराब है। मिस्टर आनंद सुनिए तो, मिस्टर आनंद। क्या हुआ, कहाँ गए वो? मैंने उन्हें बताया कि किशन बीमार है। हाँ। उसे हॉस्पिटल ले गए हैं, ना जाने उनको क्या हुआ, फौरन उठ कर चले गए। मेरा ख्याल ये है कि किशन को ही देखने गए हैं। अरे किशन, ये सब हुआ कैसे? शाम से बुखार चढ़ना शुरू हुआ और फिर बेहोश हो गया, पता नहीं बाहर से क्या खा आया था। लेकिन तुमने इसे बाहर की चीज खाने क्यों दी? डॉक्टर कहाँ है? अभी देख कर गए हैं, फिर 10 बजे आएंगे। मालकिन, किशन बाबा की आदतें अपने मालिक से कितनी मिलती हैं? मैं सुबह ग्राउंड फिर लगाऊंगा, इस बीच में अगर होश आ जाए तो मुझे फौरन खबर कर देना। किशन बाबा की आदतें अपने मालिक से कितनी मिलती हैं? किशन बेटे, देवकी इतनी सुबह सुबह तुम सोई नहीं? मेरे साथ चलिए।
लेकिन कहा? मैंने कहा ना मेरे साथ चलिए। देवकी? अरे देवकी कहाँ ले जा रही हो? गाड़ी में बैठी है। इस माँ के सामने तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, इसी माँ के सामने हमने औलाद की भीख मांगी थी, इसी माँ ने मेरी गोद भरी थी। ये दुर्गा माँ हमारे पल पल की साक्षी है, इसे आंखें मिलाकर कहो कि किशन तुम्हारा बेटा है या नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे शक की चिंगारी मेरे सारे जीवन को जलाकर रख देगी आनंद। इसे छूकर कहो कि किशन तुम्हारा बेटा नहीं। किशन हमारा बेटा है। किशन? किशन यशोदा का बेटा नहीं है? नहीं। मेरा बेटा जिंदा है। माँ तूने मेरी कोख की लाज रख ली, मैं बांझ नहीं हूँ, माँ हूँ, मैं माँ हूँ। सुनो देवकी, तुम किशन की माँ नहीं हो। क्यों नहीं हो? जवाब दो, क्यों नहीं हो? तुमने तुमने छल किया मेरे साथ, मेरी ममता को धोखा दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो तुमने क्यों किया? वो एक हादसा था, एक लम्हा था। किशन ही यशोदा की जिंदगी बचा सकता था। मैं नहीं जानता था कि इंसानियत के नाते उठाया हुआ कदम एक दिन एक समस्या बन जाएगा, एक सवाल बन जाएगा। जवाब मेरे पास है, किशन मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ। तुम्हारा रिश्ता सिर्फ खून का रिश्ता है, माँ का रिश्ता तो यशोदा का है। नहीं। इन चंद वर्षों में कई जन्मों का प्यार लुटा दिया है उसने, आज तो उसके पास एक बच्चे के सिवा कुछ नहीं है देवकी, अब तो किशन ही उसका सहारा है। वो मेरा भविष्य है। औरत का दूसरा नाम कुर्बानी है, बलिदान है। मैं औरत नहीं, माँ हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम ममता के रास्ते में मत आओ। देवकी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। खून के धारे को कोई नहीं रोक सकता। रुक जा देवकी, तुम्हें अपने सुहाग की कसम। मम्मी? मैं क्या करूं?
नमस्ते बड़े मालिक। नमस्ते भाई, हमारी बहू कहाँ है? अजी आप आइए तो सही। बहू! नमस्ते चाचा जी। बहू! बेटी, तेरे जिंदा होने की खबर क्या मिली? ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरी मौत हमेशा हमेशा के लिए टल गई। आज मैं तुझे इस घर में देख के बहुत खुश हूं। अरे ये क्या, रोने के दिन तो बीत गए बेटी। यूं ही आपको देखकर आंखें भर आई। लेकिन बेटी ये क्या हालत बना रखी है, बड़ी मुरझाई हुई लग रही हो। वो चेहरे की खुशी, वो रंग रूप, कहां खो गए ये सब कुछ? वक्त ने छीन दिया। अरे वक्त किसी का क्या बिगाड़ सकता है, इंसान दिल को जिंदा रखे तो हमेशा तरोताजा रहेगा। अब मुझे देख लो, बिल्कुल वैसे ही का वैसा हूँ। और आज तो मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना फिर से खाऊंगा। याद है ना वो नरगिसी कोफ्ते? जी। आप बैठिए, मैं चाय भिजवाती हूँ। चाचा जी कब आए? बस अभी आया। तबीयत कैसी है? भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर इस बेचारी बहू को क्या हो गया? बड़ी बुझी बुझी सी लग रही है, वो पहले की चमक दमक नजर नहीं आ रही। क्या बताऊं चाचा जी, किस किस तरह बहलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देवकी अपने मुन्ने को एक पल के लिए भी नहीं भूल पाती। और जब से उसे ये पता चला है कि वो फिर से माँ नहीं बन सकती। क्या कहा? हाँ चाचा जी, समझा। बेचारी, इसीलिए अब उसमें जीने की तमन्ना नहीं रही। बड़े मालिक, बिटिया का दुख देखा नहीं जाता। मैं तो बहुत समझा चुका चाचा जी। सुख दुख अब दोनों मेरे लिए एक हो गए चाचा जी। सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। सब्र कर बेटी, जो कुछ हुआ है उसको भूल जा। जब से मैं आया हूं तेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट नहीं देखी। आंटी। किशन, तू आ गया बेटे, कहाँ था इतने दिन? आज फ्लैग डे है ना, जिद करने लगा कि आंटी से चंदा लेना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ ना। चाचा जी, ये यशोदा है। नमस्ते। नमस्ते। और ये है किशन। किशन, चाचा जी को नमस्ते करो। चाचा जी तो है आंटी के, मेरे तो दादाजी हुए ना। बड़े समझदार बच्चे हो। थैंक यू दादाजी। आंटी अब हा? चंदा। हाँ, आओ मेरे साथ। यशोदा तुम बैठो, मैं भी आई। हाँ चल। आइए बैठिए। भाई हरिराम, कुछ चाय वाय का इंतजाम करो। जी अच्छा। इतने सारे पैसे? हा? आंटी तुम तो पूरा डब्बा ही भर दोगे, फिर तो मुझे और किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और कहीं जाने की जरूरत नहीं बेटे, मैं जो हूँ मैं दुनिया की सारी दौलत तुझ पर लुटा दूंगी, तुझ पर बेटे। इसका मतलब है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो? हाँ बेटे, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो? इसलिए कि मैं, ये लो बेटे इसे खेलो। लो। हाँ, आंटी इसका पहिया किसने तोड़ दिया? एक पगली ने तोड़ दिया। ये दोनों कहाँ चले गए? और भी दो तीन जगह जाना है। देवकी, बेटी कहाँ रह गई तुम? मैं अभी देख के आता हूँ। जी। देवकी। हाँ। अरे तुम तो बिल्कुल बच्चे के साथ बच्चा बनी हुई हो, उधर यशोदा तुम्हारा इंतजार कर रही है। किशन बेटे आओ, तुम्हारी मम्मी बुला रही है। किशन मम्मी, मम्मी आंटी ने तो सारा डब्बा ही भर दिया। आंटी बहुत अच्छी है। हमें भी अच्छी लगती हैं। अच्छा बेटा चलो, बहुत देर हो गई। अभी तो आई हो, ऐसे भी क्या जल्दी है? किशन ने तो कुछ खाया भी नहीं, ना बिस्किट ना चॉकलेट। फिर कभी, और जगह नहीं जाना है, चंदा लेनी। लेकिन डब्बा तो भर गया मम्मी। डब्बा भर गया तो क्या, बाद में स्कूल भी तो जाना है।
थोड़ी देर और ठहर जाओ ना, फिर कभी आ जाऊंगी। भाई हमें तो बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे बच्चे के आने से हमारी बहू का दिल बहल जाता है, तो कभी कभी आ जाया करो। अच्छा चाचा जी, नमस्ते। नमस्ते। चलो बेटे आओ। ये कैसा अंधेर है भगवान, ये कैसा अन्याय है। मेरा बच्चा मेरे सामने है और मैं औलाद के लिए भटक रही हूं। यशोदा को मेरा बच्चा देना था तो मेरी कोख से किशन को जन्म क्यों दिया, मुझे माँ क्यों बनाया, क्यों ममता का दर्द दिया। मैं माँ होकर भी अपने बच्चे को अपना नहीं कह सकती, ये कैसी सजा है, ये कैसी परीक्षा है, ये कैसी परीक्षा है भगवान। ये आप क्या कह रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं यशोदा से उसकी जिंदगी नहीं छीन सकता। और देवकी को मौत दे सकते हो? चाचा जी, एक माँ अपने बच्चे से अलग होकर जिंदा नहीं रह सकती। मैं जानता हूं कि ममता क्या होती है, उसकी तड़प क्या होती है, माँ क्या होती है। आखिर तुम ये बात समझते क्यों नहीं हो? आप क्यों नहीं समझते कि अब किशन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? है, किशन से खून का रिश्ता हमारा है। जरा सोचिए चाचा जी, यशोदा का क्या हाल होगा। आज वो किशन की आंखों से देख रही है, उसके पांव से चल रही है। और देवकी, वो बेचारी तो ना चल सकती है ना देख सकती है, उसके शरीर से तो जैसे आत्मा ही निकल चुकी हो। अगर बच्चा पैदा होते ही मर जाता तो शायद वो सब्र कर लेती है। मरे का सब्र हो जाता है आनंद, जिंदा का सब्र नहीं होता। बहू का यह गम तुम बर्दाश्त कर सकते हो, मगर मुझसे उसकी यह हालत नहीं देखी जाती। मगर चाचा जी, वक्त हाथ से निकल चुका है। मैं उस वक्त को वापस ले आऊंगा। किशन हमारा खून है, हमारे खानदान का चिराग, वो सिर्फ हमारे घर को रोशन करेगा। ये झूठ है, ये झूठ है। किशन, किशन मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ। इसे मुझे कोई नहीं छीन सकता, इसे मुझे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। माफी चाहता हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ, सच्चाई पर और पर्दा नहीं डाल सकता। किशन देवकी का बेटा है। क्या हो गया है आपको? आज आप कह रहे हैं किशन यशोदा का बच्चा नहीं, कल आप कहेंगे ये घर घर नहीं, दिन दिन नहीं, रात रात नहीं। देखिए, असलियत ये है कि आपकी बहू को बचाने के लिए ही आनंद ने अपना बच्चा दे दिया था। कोई किसी को अपना बच्चा नहीं देता, आप चले जाइए यहाँ से। जी आप समझते क्यों नहीं है, उधर भी एक माँ है जो अपने बच्चे के लिए तड़प रही है। किशन की माँ सिर्फ यशोदा है। मैं फिर कहता हूँ कि मैं किशन को लिए बिना नहीं जाऊंगा, वो आपके घर का चिराग नहीं, हमारे घर का उजाला है। ये क्या बकवास है, क्या पागलपन है, इतना घिनौना गिरा हुआ विचार आया कैसे आपको? अरे अपने घर की कमी पूरी करने के लिए आप हमारे घर में डाका डालने आए? मैं सिर्फ अपना हक, अपना अधिकार लेने आया हूँ। चले जाइए यहाँ से, मैं कहता हूँ चले जाइए, वरना मुझे पुलिस को बुलवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं भी अदालत का सहारा लूंगा, मगर ये कह देता हूँ कि मैं अपनी बहू को उसका हक दिला के रहूंगा। तो आपका यह कहना है मिस्टर नाथ कि किशन यशोदा देवी का लड़का नहीं है? जी हाँ। तो क्या किशन मिस्टर आनंद का लड़का है? जी। योर ऑनर, मैं मिस्टर नाथ से यह पूछना चाहता हूं कि इतने बरसों के बाद ही इन्हें यह होश क्यों आया कि किशन मिस्टर आनंद का बेटा है, इतने अरसे ये खामोश क्यों रहे? योर ऑनर, इसको आप हकीकत कहिए या करिश्मा, 4 साल पहले देवकी, जो कि सबकी नजरों में मर चुकी थी, अचानक अपने पति के घर लौट आई और उसके मुंह पे सबसे पहले शब्द ये थे कि मेरा बच्चा कहां है। अब आनंद उसको बच्चा कहां से देता, जज्बात की रौ में बहकर उसने तो अपना बच्चा यशोदा को दे दिया था। इस बात का आपके पास क्या सबूत है, कोई गवाह है आपके पास? है योर ऑनर, डॉक्टर रमेश चंद्र जो उस वक्त वहां मौजूद थे। मैं एक उम्मीद के सहारे हादसे की जगह पहुंचा और वो मुझे मिल गए। डॉक्टर रमेश चंद्र को पेश किया जाए।
तो डॉक्टर रमेश चंद, आप इस सिलसिले में क्या जानते हैं? यशोदा देवी का डिलीवरी केस मेरे हाथ में था। आपका मतलब यह है कि इस वक्त यशोदा देवी के पास जो बच्चा है वो उन्हीं का है? जी नहीं, वो बच्चा मिस्टर आनंद का है। तो फिर यशोदा देवी का बच्चा क्या हुआ? बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। That's all, Your Honor. Your witness. दूसरे का बच्चा किसी और को दे दिया और उसे बताया तक नहीं, आप जानते हैं ये जुर्म है? मैंने कोई जुर्म नहीं किया, अपना फर्ज अदा किया है। डॉक्टर का सबसे बड़ा फर्ज मरीज की जान बचाना है। मिलॉर्ड, मैं और मिस्टर आनंद देख रहे थे कि एक विधवा का आखिरी सहारा भी खो चुका है और वो मौत के करीब होती जा रही है। मौत का ये वो लम्हा था कि इंसानियत के नाते ने खून के हर जज्बे को कुचल कर रख दिया और मिस्टर आनंद ने अपना बच्चा यशोदा देवी को दे दिया। क्या आपके अलावा भी इस बात को कोई जानता था? जी हाँ, इसके सबसे बड़े गवाह तो खुद मिस्टर आनंद हैं। मिस्टर आनंद, यहां तशरीफ लाइए। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किशन आपका लड़का नहीं? जवाब दीजिए, क्या यशोदा देवी किशन की मां है? जी हां। तो क्या डॉक्टर साहब ने जो कुछ कहा झूठ कहा? जी नहीं। मतलब क्या है आपका? आप अदालत को साफ साफ बताइए कि यशोदा देवी किशन की मां है या नहीं? मां कौन है? क्या सिर्फ जन्म देने वाली ही मां होती है? क्या वो मां नहीं जिसका दूध खून बनकर बच्चे की रगों में दौड़ रहा है? क्या वो मां नहीं जिसने सारी ममता बच्चे पर निछावर कर दी? क्या वो मां नहीं जिसके दिल में औलाद का दर्द है, जिसके दिल की हर धड़कन बच्चे की पुकार है? मिलॉर्ड, मैं तो ये कहूंगा कि अगर यशोदा देवी किशन की मां नहीं तो दुनिया की कोई भी औरत अपने बच्चे की मां नहीं। योर ऑनर, मिस्टर आनंद ने किसी खास वजह से यशोदा देवी की बड़ी ही जोरदार और जज्बाती सिफारिश की है, लेकिन मुझे अफसोस है कि कानून को जज्बात से कोई सरोकार नहीं। डॉक्टर रमेश चंद्र की गवाही और मिस्टर आनंद के बयान से यह साबित हो गया है कि किशन यशोदा का नहीं बल्कि मिस्टर आनंद का लड़का है। नहीं, नहीं, झूठे, किशन मेरा बेटा है। आपको जो कुछ कहना है यहां आकर कहिए। मुझसे मेरा बच्चा मत छीनिए, भगवान ने मुझे जीता जागता किशन दिया है। मैं नहीं जानती कि कौन सा दिया जला, कौन सा बुझ गया। मैंने अपनी ममता की रोशनी किशन में देखी है, मुझसे मेरी आंखों की रोशनी मत छीनिए। कानून ममता को नहीं जानता, मैं कानून को नहीं जानती, मैं ये नहीं जानती कि इंसाफ क्या है। मैं ये जानती हूं मैंने किशन को अपना खून पिलाकर पाला है। रहम कीजिए, मुझसे मेरी जिंदगी मत छीनिए। अगर आप ममता को इंसाफ नहीं दे सकते तो भेज दे दीजिए, मुझसे मेरे किशन को मत छीनिए, मुझसे मेरे किशन को मत छीनिए, मेरे बेटे को मत छीनिए।
عدالت کو یشودھا دیوی سے ہمدردی ہے، لیکن مقدمے کے واقعات اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بچہ مسٹر آنند کو دیا جائے۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق ہم بچے کو لینے آئے ہیں۔ جاؤ بیٹے، ضد مت کرنا، وہاں سکھ چین سے رہنا۔ وہاں کہاں ممی؟ اپنے پتا جی کے پاس۔ پتا جی تو بہت دور چلے گئے تھے نا ممی۔ بھگوان انہیں سلامت رکھے۔ تمہارے پتا جی تمہیں مل گئے ہیں وہاں، تمہاری ماں بھی ہے۔ ماں بھی ہے؟ تم ماں نہیں ہو؟ میں بھی تیری، میں تیری پالنے والی ہوں۔ نہیں ممی، میں نہیں جاؤں گا، تم ہی میری ماں۔ کشن، کشن جاؤ بیٹے، ایک دکھیا ماں کی فریاد لے کر جاؤ۔ کانوں نے میری پکار نہیں سنی، تم اپنی ہتکیاں لے کر وہاں جاؤ، یہ روتی ہوئی آنکھیں لے کر وہاں جاؤ، اور انصاف سے کہنا کہ ایک ماں نے پال پوس کر اپنے آنسو تمہاری آنکھوں میں بھر دی ہے۔ تم بھی چلو میرے ساتھ، میں وہاں اکیلا نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ آؤں گی بیٹے، آؤں گی تیرے پاس، چاہے دنیا مجھے کچھ بھی کہے۔ بچہ کہاں ہے؟ میں اسے نہیں لا سکی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ ایک ماں سے اس کے بچے کو جدا کر دوں۔ آپ بچے کو لے جا سکتے ہیں وکیل صاحب، میں نے اسے تیار کر دیا ہے۔ ممتا کو صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ لیجیے، میں اپنے کلیجے کا ٹکڑا آپ کے حوالے کرتی ہوں، یہ میرے دل کا بڑا نازک پھول ہے، کہیں مرجھا نہ جائے، اسے سنبھال کر رکھیے گا۔ آؤ بیٹے۔ نہیں نہیں، میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا۔ آؤ بیٹے۔ میں نہیں آؤں گا ماں، میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا۔ کشن، کشن میرے بیٹے، جاؤ بیٹے جاؤ۔ وہاں بہت آرام ملے گا، بڑا سکھ ہے، بہت کھلونے ہیں۔ مجھے کھلونے نہیں چاہیے ممی۔ وکیل صاحب، آپ اسے لے جائیے، مجھ سے اور برداشت نہیں ہوگا۔ دادا جی بہت خراب ہے،
मुझे जबरदस्ती आना है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मैं तेरी माँ हूँ, तू अपने घर आ गया बेटे। मैं तुझे इतना प्यार दूंगी कि तू सब कुछ भूल जाएगा, तू सब कुछ भूल जाएगा। ना, ना बेटे, रो नहीं, नहीं। चाचा जी आप जा रहे हैं? हाँ, मगर अचानक जाने का फैसला क्यों कर लिया? मेरा काम खत्म हो गया। एक माँ को एक बच्चे से मिला दिया, एक बच्चे को एक माँ से जुदा कर दिया। न जाने क्यों मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मुझसे कोई भूल हुई। चलता हूं, फिर कभी आऊंगा। लो बेटे, खाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। देखो, तुम अच्छे बच्चे हो ना, थोड़ा सा खा लो बस। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम तो आंटी हो। नहीं बेटे, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मेरी बात नहीं मानोगे? लो, थोड़ा सा खा लो। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो आंटी, प्लीज। बेटी, खाना खा ले, कब तक बच्चे की याद में अपनी जान घुलाती रहेगी? मैं क्या करूं माँ, पता नहीं मेरा किशन कैसा होगा। आज तक वो मेरे बिना रहा नहीं, उसके बिना मेरी दुनिया बिल्कुल सुनी हो गई माँ, बिल्कुल सुनी हो गई। आंटी, मुझे मेरी मम्मी के पास ले चलोगी ना? कल तुमने कहा था, ले चलोगी ना आंटी? जरूर ले चलेंगे, लेकिन पहले तुम्हें बाजार ले चलते हैं, बहुत सारे खिलौने दिलाएंगे। नहीं, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। देवकी, किशन सो गया ना? हाँ, सो गया, लेकिन बहुत रो रहा था। यशोदा को याद करता रहता है, जैसे मैं तो उसकी माँ ही नहीं हूँ। सब्र करो देवकी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। जब तक यशोदा उसके सामने आती रहेगी, वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा। अब तो एक ही रास्ता है, हम ये शहर छोड़कर चले जाए। वो यशोदा से दूर रहेगा तो वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। शायद तुम ठीक कह रही हो, हम कल ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। पहले तो हमारा बच्चा छीन लिया और आज वो लोग शहर भी छोड़ के जा रहे हैं। कौन लोग? अरे वही आनंद और उसकी पत्नी। कहाँ जा रहे हैं वो लोग? दिल्ली भाई साहब, आज 3:30 बजे की गाड़ी से। हाँ।
मैगजीन्स लेकर आता हूँ। ठीक है। किशन 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 यशोदा आप कैसी है? अभी तक होश नहीं आया, बहुत खून बह चुका है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? बच तो जाएगी ना? पता नहीं देवकी, डॉक्टर का कहना है कि जब तक होश नहीं आता कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान करे सब ठीक हो जाए। की मिला? ऊपर तो नहीं है। तो फिर कहां गया? ए बाबा सुनो, तुम अंदर किधर जाता? अपनी मम्मी के पास, वो बहुत बीमार है। देखो तुम बच्चा है, तुम अंदर नहीं जा सकता। मुझे जाने दो, मैं उसे देखकर वापस आ जाऊंगा। वो मुझे देखकर बहुत खुश होगी। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ इस बेंच पर बैठ जाओ, जब तुम्हारे घर से कोई बड़ा आएगा तब तुम अंदर जा सकते हो। बैठे रहो। क्या किशन हॉस्पिटल में? देवकी, मेरी माँ बहुत बीमार है, ये लोग मुझे अंदर भी नहीं जाने देते, मेरी माँ से मिलने भी नहीं देते। भगवान जी आप मेरी माँ को अच्छा कर दीजिए ना। भगवान जी अच्छा कर दीजिए ना। भगवान जी अच्छा कर दीजिए।
पापा को बचा लो। अगर वो मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा भगवान जी। नहीं बेटे, नहीं, ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते बेटे। आंटी, एक बार मुझे मेरी मम्मी के पास ले चलो, फिर जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूँगा। वो बहुत बीमार है आंटी, वो मर जाएंगी आंटी। नहीं बेटे, तेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा, तेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा। अपनी माँ के पास जाओ, तुम्हारी आवाज सुनकर वो जरूर उठ जाएगी, जरूर तुमसे बात करेगी। जाओ जाओ। मम्मी देखो मैं आ गया हूँ। मम्मी उठो, मम्मी उठो, आंखें खोलो, मम्मी आंखें खोलो। अपने किशन से बात नहीं करोगी क्या? तुम्हारे पास लाए हैं मम्मी? नहीं, ये आंटी नहीं बेटे, तुम्हारी माँ है। नहीं बहन, किशन की माँ तो तुम हो। पाल पोस कर बड़ा करने से खून तो नहीं बदल जाता, माँ फिर माँ होती है। मैं कितना भी प्यार दूं, लेकिन इसे माँ का प्यार सिर्फ तुमसे मिलेगा। ममता सिर्फ तुम दे सकती हो। मैं इसे अपने आंचल में भी छुपा लूं तो भी माँ की गोद सिर्फ तुम दे सकती हो, सिर्फ तुम। देवकी, तुम्हारे दूध का हिसाब मैं कहाँ चुका सकती हूँ बहन? ये तुम्हारा बच्चा है, मेरा नहीं। नहीं देवकी, मैं तुम्हें इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं करने दूंगी। ये अन्याय है। अन्याय तो मैं करने जा रही थी। एक बेटे से उसकी माँ और एक माँ से उसका बेटा अलग करने वाली थी, लेकिन लेकिन सच तो ये है बहन कि तुम इसके बिना जी नहीं सकती और ये तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मेरा क्या है, मैं तो संजोग से माँ बेटे के बीच में आ गई। यशोदा, किशन तुम्हारा है, तुम्हारे पास रहेगा। बेटे, मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम हमेशा खुश रहो, सुखी रहो। आंटी, आंटी तुम बहुत अच्छी हो, तुम मुझे मेरी मम्मी के पास ले आई। आंटी कभी कभी मुझसे मिलने आया करोगी ना? देवकी, देवकी, चलो।
देवकी जल्दी डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। नहीं भगवान नहीं, इतना बड़ा अन्याय मत करो। देवकी को कुछ हो गए तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। एक माँ को जिंदगी देकर दूसरी माँ की जिंदगी मत छीनो भगवान, मत छीनो। मिस्टर आनंद, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसे कुदरत का करिश्मा कहूं या भगवान का इंसाफ या फिर ममता की ताकत। क्या बात है डॉक्टर? मुबारक हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। क्या याद है एक दिन मैंने कहा था कि कभी कभी मिराकल्स भी हो जाते हैं, आपकी पत्नी वाकई माँ बनने वाली है।